हेलो कॉम्पिटिटर्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स क्लासेस। नीट 2024 के रिवीजन कैप्सूल के फर्स्ट सीरीज में मैं आपके साथ आ चुकी हूँ। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस के बारे में बताया गया, मतलब जीनस और स्पीशीज के बारे में बताया गया था। किन्होंने बताया था? कैरलस लीनस ने बताया था, ठीक है। लीनस ने इसके बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। कहाँ बताया था? तो फिलोसोफिया बोटैनिका नाम की उनकी बुक है, ठीक है, फिलोसोफिया बोटैनिका नाम की जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने बताया था। इनकी दो बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है, ठीक। प्लांट्स के ऊपर इनकी जो बुक है उसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम, क्या नाम है? स्पीशीज प्लांटेरम। जबकि एनिमल के ऊपर जो इनकी बुक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरलस लीनियस किसने कहां पर बताया था? फिलोसोफिया बोटैनिका नाम की अपनी बुक में बताया था। प्लांट्स के ऊपर जो इन्होंने बुक इनकी है उसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम, जबकि एनिमल्स के ऊपर जो इनकी बुक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को हम एयर पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर किसको कहा जाता है? तो लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंजाई मिलके बनता है ये। जब हम नीट के लिए डिटेल्स वीडियो लाएंगे ना, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते जाऊंगी, बट अभी हमको क्विकली रिवाइज करना है। तो अभी जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर होता है वो लाइकेन होता है। लाइकेन से लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। आपको पता है कि एसिड और बेस को देखने के लिए, जो है चेक करने के लिए, लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है। राइजिंग ऑफ डो, आटा बनती है या इडली, ठीक है। आटे में जो जो रोटी बनने के बाद जो फूल जाती है ना, वो किस गैस की वजह से होता है? तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक। जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। एंथ्रो जो वर्ड होता है वो ह्यूमंस के लिए यूज होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, या इसकी स्टडी को, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस की स्टडी को क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, हमको मालूम है, हमने रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, मतलब आपने पढ़ा होगा अभी आप नीट में अपीयर हो रहे हैं। तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस? कौन सा हार्मोन इंट्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है? तो FSH, FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। FSH की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस होती है, ठीक। आगे आते हैं, सिंगल जीन एक्सप्रेसेस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब कोई एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट्स को जब दर्शाता है, दिखाता है, शो करता है, उस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। आपने पढ़ा होगा प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जब एक जीन, कोई भी सिंगल जीन बहुत सारे इफेक्ट्स को शो करता है, ठीक। आगे ब्रेन स्टेम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्रेन स्टेम वाला जो पार्ट है वो किससे मिलके बनता है? तो ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, किससे? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलके ब्रेन स्टेम होता है। मतलब ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होंगे? तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन और कार्डियक, जो कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं उनका जो सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, कहाँ प्रेजेंट होगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। WBC वाइट ब्लड सेल्स, आपको मालूम है ये दो तरीके के होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्यूलोसाइट। जो इसका ए ग्रेन्यूलोसाइट वाला पार्ट है, मतलब जहाँ पे ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक। मोनोसाइट लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट किस टाइप के होते हैं? तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है कि ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन कौन से हैं? तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट के कौन कौन से दो टाइप्स हैं? तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट किसके लिए यूज होता है? बी फॉर बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट
क्या होता है, डिफॉल्ट थाइमस। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्विकली जो है यहाँ पे रिवीजन करवा दूँ, ताकि ये आपके लिए नीट में बेनिफिशियल हो। एक बार क्विकली और देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लीनियस, कहाँ पे, फिलोसोफिया बोटानिका उनकी बुक थी। प्लांट्स में उनकी बुक कौन थी, स्पीशीज प्लांटेरियम। एनिमल्स में उनकी बुक कौन थी, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक। एटमॉस्फेरिक या एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन होता है, लाइकेन होता है। नेक्स्ट, डॉग किसकी वजह से राइज होता है, रोटी किसकी वजह से फूलती है, CO2 की वजह से। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमंस का जब इवोल्यूशन हुआ था उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रो जो वर्ड होता है वो हमेशा ह्यूमंस को डिनोट करता है, पोलॉजी जो है उसकी स्टडी कहलाती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन से हॉर्मोन से इंड्यूस होता है, FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन से इंड्यूस होता है, ठीक। सिंगल जीन एक्सप्रेसेस मोर देन वन कैरेक्टर या मोर देन वन इफेक्ट, जब कोई एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट शो करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स दिखाता है, तो उस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ब्रेन स्टेम किस किस पार्ट से मिलके बनता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलके बनता है, ठीक। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे जब हम नीट के लिए अलग से क्लासेस लाएंगे, ठीक है। WBC का एक पार्ट होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। बी किस लिए होता है, बी बोन मैरो के लिए होता है। टी किस लिए होता है, टी थाइमस के लिए होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, याद हो गई होंगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। आप चाहो तो वीडियो ऑन करके छोड़ दो, सिर्फ सुनते रहो, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या रिवीजन के टाइम पे आप एक बार देख लो, जैसे आप केमिस्ट्री और फिजिक्स कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बीच में थोड़ा इसको देख लो, तो इससे क्या होगा आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो ठीक है, अच्छे से करो, पढ़ो, मोटिवेटेड रहना, बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम तो होगा।